दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में लेके आया हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया क्लास 6 का टाइम टेबल, यानी प्रिपरेशंस करने के लिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस निकालने के लिए क्या टाइम टेबल प्रिपेयर करें, क्योंकि आप लोगों का सुझाव था, कमेंट्स था कि हमें एक टाइम टेबल बना दीजिए कि हम कैसे प्रिपरेशंस करें। टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आपके घर के कोई शादी हो उसके लिए भी टाइम टेबल और प्लानिंग करना ज़रूरी होता है। कितने लोगों का न्योता देना है, कौन कौन लोग आएंगे, कहाँ रहना है, कहाँ बारात घर होगा, क्या क्या खाने में खिलाना है, किनको किनको कार्ड देना है, ये सब प्लानिंग हम लोग पेपर पे लिख के रखते हैं। इसके अलावा या कोई नेता इलेक्शंस के लिए खड़ा होता है वो भी अपना प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाता है कि हम लोग किस तरह प्रचार करना है। क्रिकेट खेलना होता है तो कैप्टन विराट कोहली ये भी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि ये जो बैट्समैन आया इसको बुमराह आउट कर सकता है या चहल आउट कर सकता है। तो प्लानिंग हर चीज़ में ज़रूरी है, चाहे क्रिकेट में हो, फिल्म में हो, बिजनेस में हो, नेतागिरी में हो, पढ़ाई में हो, सब में प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लानिंग करने से रिस्क रिड्यूस हो जाता है। और पढ़ाई के महत्व तो धर्मों में भी है और पढ़ाई के महत्व तो साइंस में भी है, जैसे कुरान है, भागवत गीता है, गुरु ग्रंथ साहिब है, बाइबल है। ये सब पुस्तक किस लिए बनाई गई है? पढ़ाई करने के लिए, रखने के लिए नहीं, शो पीस के लिए नहीं, पढ़ाई करने के लिए। ज्ञान, इल्म, एजुकेशन, धर्मों में भी प्रधानता इसको दी गई है, महत्व तो दी गई है, और साइंस में भी पढ़ाई है, एजुकेशन, इल्म का बड़ा महत्व है। तो चाहे आप धर्म के हिसाब से पढ़ाई करें या आप पढ़ाई करें साइंस के हिसाब से, दोनों में इल्म, एजुकेशन, शिक्षा, ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ों में प्लानिंग तो ज़रूरी है। तो टेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले टेस्ट का पैटर्न्स देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 50 नंबर का क्वेश्चन आता है, 50 नंबर का। मैथ का 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर का, और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर का। कोई निगेटिव मार्किंग जामिया के स्कूल में नहीं है। टोटल 100 नंबर के एग्जाम्स होते हैं। हम लोग अपना TBIT स्टडी ऐप पे पढ़ाई करवा रहे हैं, क्लास 6 का भी, 9th का भी, 11th का भी, और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का भी। टोटल आपके दिन में 24 घंटे होते हैं। इस 24 घंटे को आप तीन भागों में बांट दीजिए, 8 8 8, 8 घंटा सोइए, 8 घंटा पढ़िए, 8 घंटा इंजॉय कीजिए, ठीक है। तो मेजर जो पोर्शन है 50% वो है एनवायरमेंट स्टडी। तो एनवायरमेंटल स्टडीज जो है वो 4 घंटा हमको देना है, सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक, ठीक है। बीच में आप 5-5 मिनट्स का 4 बार ब्रेक ले सकते हैं, एक एक घंटा पढ़ें, 5 मिनट का ब्रेक ले लें, तो 4 बार 5-5 मिनट करके आप ब्रेक ले सकते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ने में। उसके बाद आप 1 बजे खाना खाइए और 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, अगर आपको खाना खाने के बाद आलस आए तो सो जाइए, अगर आपको फिल्म देखने का मन करे तो फिल्म भी देख सकते हैं, क्योंकि 3 घंटे ब्रेक हमने दिया है। हमने टाइम टेबल इस हिसाब से बनाया है कि आपकी पढ़ाई का भी तैयारी हो जाए, आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का तैयारी हो जाए, और आपको मनोरंजन करने का भी समय मिल जाए। और इसके अलावा आपका हेल्थ का भी ध्यान रखते हुए ये टाइम टेबल बनाया गया, यानी हेल्थ में भी आपको अच्छा हो, पढ़ाई में भी आप अच्छे हो, और मनोरंजन करने में, एंजॉय करने में भी अच्छे हो। तो आपको तीनों को मद्देनजर रखते हुए ये रूटीन, ये टाइम टेबल बनाया गया है। तो आपने रेस्ट ले लिया, हेल्थ को अच्छा किया या एंजॉय कर लिया, मान लीजिए फिल्में देख लिए, 2-3 घंटे का फिल्म होता है, ज़्यादा 3 घंटे का फिल्म होता है, आप फिल्म भी देख सकते हैं। मैथ के लिए आपको 2 घंटा देना पड़ेगा, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, फिर ब्रेक ले लीजिए 6 बजे से 7 बजे तक। आपको घूमने का मन करे तो घूमिए, कुछ खेलने का मन करे तो खेलिए, या आपको लगता है कि यूं ही बाहर टहलना है तो टहल सकते हैं। तो शाम का जो शाम का मौसम होता है बहुत सुहावना होता है, इसलिए हमने ब्रेक 1 घंटे का दिया है, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आप आराम से घूम टहल सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। इंग्लिश को 2 घंटे देने हैं, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो 2 घंटे आपने इंग्लिश को दिए, मैथ को 2 घंटे, और 4 घंटे एनवायरमेंटल, क्योंकि 50% वेटेज इसका है, 25% मैथ का है, 25% इंग्लिश का है। डिनर आप 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में कीजिए, और डिनर कीजिए तो टहलिए, हेल्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेल्दी भी आपको लाइफ स्टाइल बहुत ज़रूरी है, मनोरंजन भी ज़रूरी है, क्योंकि मनोरंजन से इंसान का दिल दिमाग खुश रहता है और उसका हेल्थ भी अच्छा रहता है, माइंड फ्रेश रहेगा तो पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो आपको इस रूटीन में एंटरटेनमेंट का भी ध्यान दिया गया है और एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का भी ध्यान दिया गया है और आपके हेल्थ का भी ध्यान दिया गया है। तो 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपका डिनर रहेगा, उसके बाद जो 15 मिनट्स हम दे रहे हैं 10 बजे से लेकर 10:15 पे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस 10 बजे से लेकर 10 से 15 मिनट तक आपको 5 मिनट आज आपने एनवायरमेंटल में क्या पढ़ा, मैथ में क्या पढ़े, इंग्लिश में क्या पढ़े, उसका जिक्र आपको पेपर पर लिख के करना है। सिर्फ दिमाग में नहीं रखना है कि मैंने एनवायरमेंट में क्या पढ़ा, मैथ में क्या पढ़ा या पढ़ी या इंग्लिश में क्या पढ़ा, आपको 5 मिनट
खाना खाने के बाद देखिए 10 बजे से 5 मिनट आपने क्या पढ़ा, और अगला जो 10 मिनट है, क्योंकि 15 मिनट का समय है तो 5 मिनट प्लस 10 मिनट, आगे के 10 जो मिनट्स हैं उसमें कल को क्या पढ़ेंगे इन तीनों सब्जेक्ट्स में उसको लिखना है। लिखने से क्या होता है फायदा, ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि लिखने से फायदा ये होता है कि जो चीज़ लिखते हैं ना उसको आप एक्शन में इजिली कन्वर्ट कर पाते हैं। अगर आपको एंटरटेनमेंट करना है या आपको दिल्ली घूमने जाना है तो अगर आप लिखेंगे 10 बार ना तो वो चीज़ एक ना एक दिन एक्शन में आ जाएगा। तो लिखने से ये आपको फायदा होगा कि कल को मैं जो पढ़ूंगा इंग्लिश में कौन सा टॉपिक पढ़ूंगा, आपको टॉपिक लिखनी है, क्या आज पढ़े वो 5 मिनट में लिख देना, बचे हुए 10 मिनट में कल को क्या पढ़ना है वो लिख देंगे, उसके बाद आराम से सोइए, 7 घंटा 6 घंटा 8 घंटा नींद लीजिए और एंजॉय कीजिए, तैयारी कीजिए। ये जो रूटीन है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोटबुक में लिख लीजिए, नोटबुक में लिखने के साथ साथ आप एक लूज पेपर में लिख लीजिए जिसको दीवार पे चिपकाना है, सुबह शाम उसके दर्शन होते रहे, आप देखते रहे, आप मोटिवेट होते रहे और तैयारी करते रहे। हम अपने टीवीआईटी स्टडी ऐप पे क्लास 6 एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का तैयारी जबरदस्त तरीके से करवा रहे हैं, पूरा थ्योरी कवर करवा रहे हैं, उसके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिटेल सॉल्यूशंस के साथ करवा रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट का रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं, रिजल्ट पब्लिश करने के बाद एक-एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पहला का डी क्यों आया, दूसरा का सी क्यों आया, कौन सा फार्मूला यूज हुआ था, कैसे वो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, क्या-क्या ध्यान रखनी है, टोटल ए टू जेड सिर्फ 1000 रुपया में, 1000 रुपया में एक साल का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। 1000 को अगर 12 महीनों में बांटेंगे तो सिर्फ 80 रुपया के आसपास आएगा, 83 रुपया, 83 रुपया में तो एक महीने का जियो का रिचार्ज भी नहीं होता है। तो पढ़ाई अगर पैसे देके करेंगे तो घर वाले भी बोलेंगे यार पैसा दिया है आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद लगेगा यार पैसा दिया हूं तो पढ़ना पड़ेगा। तो पैसा लेना बहुत जरूरी है पढ़ाई में, नहीं तो YouTube पे तो बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं लेकिन कोई देखना पसंद नहीं करता है, कैरी मिनाती की गाली सुनना पसंद करेगा लेकिन वीडियो देखना पसंद नहीं करेगा, आशीष चंचलानी का वीडियो, बीबी का वाइंस वाले गाली लोग पसंद करेंगे लेकिन कोई पढ़ाई का चीज देखना, लेकिन यही ऐप पे हमारे जबरदस्त तरीके से आपको तैयारी हो रही है। तो आपके अन्य बहुत सारे फायदे हैं हमारे ऐप का। तो मुझे उम्मीद है कि आप अगर तैयारी करने वाले हो या अपने बच्चों को तैयारी करवाने, अपने फैमिली मेंबर में किसी को तैयारी करवाने वाले होंगे तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा, टीबीआईटी स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और अपने तैयारी को एक अलग लेवल दीजिएगा। और ऐसे टिप्स ट्रिक्स इस चैनल पे भी मिलता रहता है और ऐप पे तो बतेरों चीज़ें हम पढ़ाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।